वापस लौट आया है अभिमन्यु, लेकिन उसके पास नहीं है उसकी अक्षरा। जी हाँ, अभिमन्यु लौट आया है लेकिन अक्षरा तो जा चुकी है। वेल, अभीर के साथ अभिमन्यु भी नजर आएगा क्या? क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टीवी न्यूज की इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल, जैसा कि आप सभी को बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि आने वाले एपिसोड होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहां एक ओर चल रही है रूही और अभीरा में झगड़ा और दूसरी तरफ अभीर भी लौट आया है और अब अभीर के साथ लौटेगा अभिमन्यु भी। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले ही दिखाया गया था कि अभिमन्यु और अभीर का एक्सीडेंट हो गया था। अक्षरा को लगता था अब नहीं रहे अभिमन्यु और अभीर, लेकिन अक्षरा को तो पता ही नहीं था ये दोनों जिंदा हैं। और यही अभीर और अभिमन्यु को भी लग रहा था कि अक्षरा उनसे दूर जा चुकी है और उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अक्षरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अक्षरा नहीं मिली। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अलग बिता रहे थे, लेकिन अब लौट आया है अभिमन्यु। वो हम आपको बता दें, अभिमन्यु की याददाश्त चली गई थी, लेकिन जब वापस आई वो अक्षरा को काफ़ी ढूंढा, लेकिन अक्षरा उसे नहीं मिली। तो अभिमन्यु और अभीर साथ में रहने लगे, लेकिन जब अभीर अभिमन्यु को अपने साथ वापस लेके आया है और अब अभीर चाहता है गोइंका परिवार से बदला, क्योंकि अभीर को लगता है गोइंका परिवार ने उन्हें और अक्षरा को घर से बाहर निकाल दिया और वही है अक्षरा से दूर होने की वजह। जिसके बाद अब जैसे ही अभिमन्यु को पता चलेगा उसकी जूही चूही रूह यानी कि शादी कर चुकी है और वो पोदार मेंशन में है, वो भाग कर जाएगा रूही से मिलने। और जूही भी जैसे ही पॉपी को देखेगी वो पॉपी को गले लगा लेगी। मतलब अभिमन्यु को ये नहीं पता है कि अभीरा भी है उसी की बेटी, यानी कि उसके और अक्षरा की बेटी। मतलब क्या पता लग पाएगा इनको? आपको क्या लगता है हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही स्पाइसी और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।